रहना ये वड्डा एक्शन एक बार फिर तो रेड की जाती है। तो दस दिए कि इस वक्त की अहम अपडेट तरन तारण तो सामने आ रही है जिथे अमृतपाल सिंह के घर रेड की गई है। तस्वीर भी थोनू लाइव दिखावांगे। तो इन्ना ये एक बार मुड़ तो एक्शन वेखन मिलता है। दस दिए कि कस्बा चोला साहिब छापा मारिया जाता है बिना दसे एन आई ए वालों वड्डी कार्रवाई अमृतपाल दे खिलाफ एन आई ए का वड्डा एक्शन। सवेरे 4 बजे के करीब दफ्तर ते घर दे विच दोवें थावां दे विच छापेमारी की जाती है रेड की जाती है। तो लगातार उतों दीआं तस्वीरां भी सामने आ रही ने। तो अमृतपाल सिंह दे ही दफ्तर ते घर दे विच रेड हुई है। बस स्टॉप के नज़दीक उसका दफ्तर है ते उत्थे ही रेड जिहड़ी एन आई ए दी टीम दे वल्लों की गई है। जिला तरन तारण दे इक पिंड दे विच अमृतपाल सिंह जो कि सतनाम सिंह का बेटा है उसे दे घरे रेड जिहड़ी एन आई ए दी सवेरे 4 बजे तो हुण तक जारी है। तो तस्वीर भी थोनू नाल नाल दिखा रहे हैं तरन तारण तो जो आईया ने अमृतपाल सिंह दे घर जो माहौल इस समय बनया एन आई ए दा वड्डा एक्शन है। तड़के ही हालांकि बिना दसे रेड की जाती है ते उदो तो यह रेड जारी है। हालांकि की कुछ चीज़ा बरामद हुई ने इसका हाले कोई खुलासा या कोई भी अपडेट नहीं सामने आया है पर जो तस्वीर आईया ने वह भी थोनू एक बार दिखा रहे हैं। रेड चल रही है अमृतपाल सिंह के दफ्तर के घर के रेड जी है सवेर तो चल रही है। तो फिलहाल की अपडेट से की जानकारी उतो सामने आ रही है। साढ़े नाल इस वक्त पत्रकार तरन तारण तो जुड़ चुके हैं शेरू महाजन उन्होंने तो वधेरी जानकारी लेंदे की जानकारी इस बाबत। फिलहाल जा रही है दफ्तर घर दोवां थां ते चल रही है। रेड कोई अंदाजा है इस गल दा? बिल्कुल जी, गल करिए तां जां जी सूत्रां तों पता लगा जी शाम 5 बजे तक तकरीबन रेड चलेगी जी। ते जे गल करिए सुबह सवेरे 5 बजे दी रेड चालू है जी। अमृतपाल सिंह दी गल करदे आ कि ओह घर दे विच ने या फिर दफ्तर च ने? जी अमृतपाल सिंह बिल्कुल घर नहीं हैगा, ओह सवेर दा ही किते आसे पासे गया। ओके जी, धन्यवाद साडे नाल जानकारी सांझी करन दे लई। तां इह सी साडे नाल पत्रकार जो तरन तारण तो जुड़े सी ते जानकारी साडे नाल सांझी कीती वड्डी कि किस तरीके दे नाल अमृतपाल सिंह दे घर ते दफ्तर दोवां थावां ते 4 बजे तो रेड जारी है। 3 वख-वख टीमां एन आई ए दीआं ओह इस काम दे विच जुटियां होईआं ने। शाम 5 बजे तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेड 5 बजे तक जारी रहेगी।